शाळकरी मुलीला दारू विक्री करायला लावल्याबद्दलचा जो देहूरोड पोलीस स्टेशन हद्दीतील व्हिडिओ व्हायरल होत आहे त्याबाबत मान्य पोलीस आयुक्त सरांनी ACP क्राईम यांच्याकडे याची चौकशी दिलेली आहे आणि त्यामध्ये लवकरच जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार कार्रवाई करने की। जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग ने जो अभी ये जो वीडियो वायरल किया है ये वीडियो देहूरोड का है। देहूरोड में काफ़ी अलग अलग भाग में जो है हम लोग ने स्टिंग ऑपरेशन करके ये वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप देखते हैं तो कुछ महीनों से जो है सोशल मीडिया पर बार बार जो है देहूरोड की जो PI है सीनियर PI वर्षाराणी पाटील इनके अगेंस्ट में एलिगेशंस हो रहे थे कि इनके आशीर्वाद से यहाँ पे देहूरोड में काफ़ी जो है इलीगल अवैध धंधे चल रहे हैं। इस चीज़ को जो है वेरीफाई करने के लिए हमने जो है हमारी टीम के साथ काफ़ी जगह पे वेर शिवाजीनगर हो कुछ हो MB कैंप हो काफ़ी जगह पे जो है हम लोग ने स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन में ये चीज़ क्लियर कट जो है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ओपनली जो है खुलेआम अवैध धंधे चल रहे हैं। इसमें कंट्री मेड जो लिक्वर है हदबट्टी है दारू है ये बेचे जा रहे हैं ये। तो इसमें जो खास बात या जो लज्जास्पनी जो बात ये है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो है हमको एक बच्ची दिखी स्कूल की बच्ची जो कि यूनिफॉर्म पे थी और वो जो है इस तरह का जो इलीगल शराब जो है वो बेचने का जो रेट्स जो बार्गेन करते हुए दिखी। तो जहाँ पे हम एक तरफ बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ उस तरह इस तरह जो है देखने के लिए बहुत ही दुखी होता है। वो भी यूनिफॉर्म की बच्ची इसके मतलब वो स्कूल जाती है पढ़ने वाली बच्ची है वो आने के बाद इस तरह का जो है उनसे काम करवाया जाता है। तो ये जो पूरा जो मामला है ये देहूरोड पुलिस स्टेशन के अंडर में ही आता है। तो ये वीडियो पब्लिक में जो लाने का एक ही उद्देश्य है कि जितने आरोप काफ़ी RTI एक्टिविस्ट हो कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो कोई संगठन की महिला हो उनकी तरफ से जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि देहूरोड में काफ़ी बड़े मात्रा में जो है अवैध धंधे चल रहे हैं। और मैंने इस मामले में जो है CP सर को सारे वीडियोस उसके एविडेंसेस भेजे हैं और आने वाले वक्त पे यही उम्मीद है कि जो भी इसमें अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होगा और इस तरह का धंधा जो है इसके बाद बंद किया होगा।